हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्प्लिट होल्डिंग्स के बारे में कि किस तरह से आप लोग स्प्लिट खेल सकते हो और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो जिससे आपकी जो स्प्लिट होल्डिंग है वो प्रॉपरली वर्क करे। वर्क करने से मेरा मतलब है कई बार आप स्प्लिट तो करा देते हो अपने बंदों को या आपकी पूरी टीम स्प्लिट तो खेल रही है बट कोई भी टीम रश करके आपको मार देती है, ऐसा बहुत बार हुआ होगा। तो इसलिए फिर आप अगले मैच में सोचते हो कि नहीं यार स्प्लिट ज्यादा हो गया था, नहीं खेलेंगे। तो मैं प्रॉपरली आपको तरीके से बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पर स्प्लिट की जो चीजें काम आती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए ना आपकी जो लॉबी है उसका आइडिया आपको होना चाहिए। लॉबी का आइडिया से मेरा मतलब है अगर आप कोई प्रॉपरली टीम वन टूर्नामेंट देखते हो तो उन लोगों का एक फिक्स रहता है, ड्रॉप फिक्स है, रोटेशन फिक्स है, सारी चीजें फिक्स है। तो उस कंडीशन में अगर आप स्प्लिट खिलाते हो तो आपको पता होता है कि भैया कौन सी टीम कहां से आ सकती है, कब आ सकती है, क्या टाइमिंग रहने वाली है, सब कुछ पता होता है। तो वहां पर अगर स्प्लिट खिलाते हो तो दिक्कत नहीं होती, बट अगर आप नॉर्मल T2 या सेमी T1 या फिर कोई ऐसे टूर्नामेंट खेलते हो जिसमें अंडरडॉग्स परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको नहीं पता होता है कि भैया कहां से कौन सी टीम आने वाली है, बट उसमें भी किस तरह से आप स्प्लिट खिला सकते हो मैं आपको दोनों चीजें बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताने वाला हूं एक टीम के बारे में, टीम का नाम है T2 के और वो कहां पर लैंड करती है। हमारी जो एज यूजुअल प्रथा है आपको बताना जरूरी है कि कहां पर लैंड करती है ताकि आपको रोटेशन भी थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं T2 के बारे में और T2 के उतरती है ग्रेवयार्ड में। ग्रेवयार्ड में उतरने के बाद जोन इन पर ही बनता है, जोन थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा बट उससे पहले ही जोन में चले जाएंगे बिकॉज ये ऑलरेडी जोन के अंदर है तो थोड़ा बहुत इधर उधर खिसक के जोन ले लेंगे। तो जोन जाने में इनको कोई खास दिक्कत होती नहीं है। यहां पर अगर आप देखो मिनी मैप में तो T2 के को जोन मिल चुका है, थोड़ा सा राइट शिफ्ट हुआ था ग्रेवयार्ड से, ये लोग राइट में जाके आराम से जोन ले लेते हैं और जोन ज्यादा अब हार्ड शिफ्ट नहीं मारेगा इनसे, इसलिए जोन की तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं ये वीडियो जोन के बारे में नहीं है कि किस तरह जोन लेना, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर चेकआउट कर लेना। जोन मिलने के बाद ये लोग किस तरह से स्प्लिट खेल रहे हैं भाई, आप लोग यहां पर देखो सामने अगर आप देखोगे तो T2K का एक बंदा इधर वाले रिज पर है, एक बंदा इधर वाले रिज पर है, एक बंदा कंपाउंड होल्ड कर रहा है और एक बंदा बिल्कुल दूसरी साइड है। और यहां पर अगर आप देखो तो ये रहा पूरा का पूरा स्प्लिट, एक बंदा बिल्कुल दूसरी साइड पर बैठा हुआ है, बाकी के बंदे इस साइड पर बैठे हैं, ठीक है। और ये भी कोई पास में नहीं बैठे हुए हैं, ये भी बहुत दूर दूर है, बट अगर आप यहाँ पे मिनी मैप में देखो तो शायद आपको ये पास में नजर आ रहे होंगे, बट ये बहुत ही ज्यादा स्प्लिट लेकर बैठे हुए हैं। अब तुम लोगों को पहले जानकारी दे देता हूँ कि इन लोगों ने इतना बड़ा स्प्लिट ले कैसे लिया, कहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। मैं आपको बताऊं कि ये जोन में पहले ही पहुंच जाते हैं तो आसपास का जब ये रोटेशन करके जोन में आते हैं इनको पता होता है कि इन इन जगहों पर कोई टीम नहीं है, दैट्स व्हाई ये उसी टाइम पर स्प्लिट ले लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्प्लिट खेलते हो अगर आप एक अंडरडॉग टूर्नामेंट में या फिर एक अंडरडॉग स्क्रीम में या फिर पेड स्क्रीम में, उसमें क्या होता है कई बार तो भाई सामने से चारों बंदे एक ही गाड़ी में बैठ के आपके कंपाउंड पे पुश कर देते हैं और उसी में अगर आपका एक बंदा स्प्लिट कोई कंपाउंड होल्ड कर रहा है और चारों बंदे एक ही गाड़ी में बैठकर पुश कर देंगे तो आपको जो स्प्लिट स्ट्रेटेजी वो काम नहीं आएगी। बट एट द सेम टाइम अगर आप T1 टूर्नामेंट या प्रॉपर T1 देखो तो उसमें है ना चारों बंदे एक गाड़ी में पुश नहीं करते हैं, एक एक करके आते हैं तो आपको पता चल जाता है, आपके एक बंदे को पता चल जाता है कि भाई टीम पुश कर रही है तो वो कॉल आउट दे सकता है, होल्ड करा सकता है सामने वाली टीम को और पीछे फॉल बैक भी कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसलिए इनकी जो स्प्लिट है ना वो काम आ जाती है और इसी चक्कर में आपकी स्प्लिट काम नहीं आती है। तो आगे और भी बताऊंगा कैसे स्प्लिट होल्ड करवा सकते हो। अगर आप यहाँ पर T2 के को देखो तो इनके स्टेज 5 के जोन में भी अभी तक एक ही किल है, पता है इसका रीजन यही है कि ये पहले जोन में आ जाते हैं और इनको पता होता है कि कौन कौन सी टीम कहां पर है, कोई भी टीम आसपास नहीं है, दैट्स व्हाई स्प्लिट खिलाते हैं और आसपास ना होने की वजह से अभी तक इनके किल भी नहीं होते हैं। यहां पर आपको दोबारा से स्प्लिट व्यू दिखा देता हूं, इस बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये वही वाला रीजन और यहां पर आप देख सकते हो T2K का एक बंदा है और T2K का एक बंदा रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पर बैठा हुआ है, एक बंदा इधर रिज पे बैठा हुआ है और एक बंदा अलग ही खेल रहा है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वो दूसरी वाली रिज पर बैठा हुआ है। बट अभी जैसे जैसे जोन क्लोजिंग होगा ना ये अपना स्प्लिट छोटा करते जाएंगे, हर बार आप सेम स्प्लिट के साथ नहीं बैठ सकते ना, टीम्स को अंदर आना है और वो आपके ऊपर पुश भी करेंगी और आपको मारने का भी ट्राई करेंगी। आपको जगह बताऊं तो आप ये जगह देख सकते हो, एक बार वाटर ट्रीटमेंट के जो बीच वाले एरिया होता है, एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, इनका एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है। तो अगर भाई इतना स्प्लिट खेल रहे हैं तो चारों तरफ से है ना कोई भी टीम अगर पुश करती है तो इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और यहाँ पर सीन क्या होता है कि नीचे जो फ्यूल कैन वाला एरिया होता है ना, पेट्रोल पंप जिसको बोलते हैं, वहां पर एक टीम पुश करती है डायरेक्टली और ये चारों बंदे, मतलब एक बंदा तो वहां पर होता ही है, वो होल्ड करवाता है ग्रेनेड्स करके, ठीक है, ऐसे नहीं आते ही वो उनके ऊपर गन लेकर कूद पड़ा, वो ग्रेनेड करके होल्ड करवाता है, ये बंदा भी उधर से फायर करता है, ये बंदा अंदर नहीं घुसने देता, ये बंदे अंदर नहीं घुसने देते, मतलब जो टीम आते हैं उनको अंदर भी नहीं घुसने दिया। और यहाँ पर ये बंदा इधर से फायर करता है, ये बंदा इधर से फायर करता है, मतलब वो टीम को विद इन अ सेकंड वो वाइप कर देते हैं। और ये होता है एक प्रॉपर स्प्लिट। अगर आपको नहीं पता है ना, अगर आप अंडरडॉग टीम के साथ खेलते हो या फिर अगर आपकी जो लॉबी है वो अंडरडॉग से भरी हुई है, आपको नहीं पता है कि स्प्लिट कैसे खिलाना है, तो ऐसे स्प्लिट्स आप यूज कर सकते हो जहाँ पे आपके तीनों टीममेट का एंगल एक दूसरे के ऊपर हो, वो वाले स्प्लिट आप यूज कर सकते हो। बट ऐसा स्प्लिट यूज मत करना कि भाई आपके एंगल नहीं आ रहा है प्रॉपर
पकड़ ली, बट आप टीममेट को कॉल दे दो अगर कोई टीम आती है ना तो तू पीछे भाग के आ जाना। तो फिर उस स्प्लिट का कोई फायदा भी तो नहीं हुआ। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए स्प्लिट खिला रहे हो और उस इन्फॉर्मेशन का यूज नहीं कर पा रहे हो, उसको कह रखा है कि भाई अगर तेरे पे कोई बंदे आते तो तू पीछे भाग के आ जाना, तो फिर तुम पीछे ही रह लो ना। इससे अच्छा तुम्हें उस इन्फॉर्मेशन का फायदा भी नहीं हुआ। इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है ताकि अगर आपके ऊपर कोई टीम पुश कर रही है, आपको इन्फॉर्म मिल गई, देन आप उसको फिनिश कर सको, वाइप कर सको, वो इन्फॉर्मेशन तब जाके काम आती है। बट अगर आप बोल रहे हो कि भाई पीछे भाग के आ जाना, देन वो काम नहीं आएगी। इसलिए ऐसे एंगल पर बिठाओ कि एक दूसरे को देख सको, फिर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो इन्फॉर्मेशन का फायदा भी उठा सको। और स्प्लिट इसीलिए खेला जाता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा किल्स निकाल सको, वरना स्प्लिट इसलिए नहीं खेला जाता है कि आपको जोन मिल जाए। तब तो आप सिर्फ इतना स्प्लिट खेल सकते हो अगर आप जोन के लिए खेल रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने एक बंदा यहां बिठा दिया और तीन बंदे दूसरी साइड बिठा दिया, और ये जो बंदा है ना ये आईजीएल प्लस स्काउट दोनों कर रहा है। अब यहां पर टीम आपकी जोन में तो बैठी हुई है, बट जोन इधर शिफ्ट होता है तो आपका ये बंदा जोन में रहे ताकि आपकी टीम जोन में आ सके। इसको इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो आपको जोन में बुला सकता है। इधर जोन आता है तो आपकी टीम ऑलरेडी जोन में बैठी है, ये वाला स्प्लिट खेला सकते हो। बट अगर आपको सिंगल सिंगल बंदों का बहुत स्प्लिट खिलाना है तो सिर्फ वो फाइट के लिए खेला जाता है और किल्स के लिए खेला जाता है। तो जो मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले उस पर फोकस करना। यहाँ पर जिस फाइट की मैंने बात की थी वो देखो, किल फीड में देख सकते हो T2 के बंदे भाई STR को फिनिश कर चुके हैं विद इन ए सेकंड। और अगर आपको मैं इनका व्यू एंगल दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखो T2 के दो बंदे यहाँ पर है। एक बंदा भाई वो पता ही नहीं किधर है, बट उसने पूरा का पूरा कवर दिया। इधर से XMPL ने पूरा का पूरा कवर दिया, XMPL नहीं MPL है शायद, आई डोंट नो। और जो टीम यहाँ पर आई वो आते ही वाइप हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे देखो तो इन लोगों ने जोन की कुछ इस तरह से होल्ड कर रखा था, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा इनके पास है। अब यहाँ पर देखो इन्हीं के सामने ऑलरेडी एक फाइट चल रही होती है, हाई वोल्टेज वर्सेज स्काईलाइट्स गेमिंग। तो इस फाइट का सिनेरियो क्या होता है, T2K का एक बंदा उधर बैठा हुआ है, एक बंदा इधर बैठा हुआ है, आप देख सकते हो रिग। और ये दोनों बंदों के पास प्रॉपर तरीका है बीच में जो टीम फाइट कर रही है उसको आराम से दोनों साइड से थर्ड पार्टी करने का, और यही वो लोग करते हैं। देखो यहाँ पर क्या सीन होता है, यहाँ पर बेसिकली सिंपल सी फाइट चल रही होती है स्काईलाइट गेमिंग की और यहाँ पर हाई वोल्टेज, और ये फाइट जैसे ही कंप्लीट होती है, यहाँ पर देखो ये फाइट हाई वोल्टेज वाले जीत जाते हैं। और जैसे हाई वोल्टेज वाले फाइट कंप्लीट करते हैं ये लोग जोन में जाने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बट जोन का 1/3 हिस्सा या फिर आप बोलो आधा जोन पूरा T2K ने कवर किया हुआ है बहुत ही ज्यादा स्प्लिट बिठाकर। और यहाँ पर जाके ये लोग डायरेक्टली पुश कर देते हैं और पूरी की पूरी हाई वोल्टेज को फिनिश कर देते हैं जो कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी के एंगल पर थी। अब इस तरह से भाई दोनों तरफ से आए स्प्लिट खेलने का बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखो तो T2K के दो बंदे तो बिल्कुल एज खेल रहे हैं और दो बंदे बिल्कुल सेंटर पकड़ के बैठे हैं। इससे पता चलता है कि ऑलमोस्ट जोन का आधा हिस्सा इन्होंने कवर कर रखा है। और ये एज भी क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि इनके सामने एक बंदा है, अगर आप यहाँ पर देखो 1HC का गॉडलेस, और गॉडलेस की पोजीशन इनको पता है क्योंकि यहाँ पर स्मोक वगैरह हो रखे हैं। तो रिग को पता है कि भैया यहाँ पर एक बंदा है, रिग ऊपर चढ़ के गॉडलेस को फिनिश करने की ट्राई करेंगे, और जब तक गॉडलेस फिनिश नहीं हो जाता ये बंदे जोन का सेंटर नहीं पकड़ेंगे या फिर अपनी टीम के पास नहीं जाएंगे और या फिर दूसरी टीम से फाइट लेने नहीं जाएंगे। पहले अपना एज क्लियर करेंगे, बैक क्लियर करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, वरना गॉडलेस यहाँ पर पीछे से बैक फायर कर सकता है। और उधर T2K के दो बंदे गॉडलेस पर नजर लगाकर बैठे हैं और यहाँ पर T2K के जेन और दो बंदे जो अलग सेंटर में खेल रहे हैं सेंटर की टीम से फाइट ले रहे हैं। अब वो 1-on-1 फाइट नहीं ले रहे हैं, वो भी वहां पर थर्ड पार्टी कर रहे हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन हो रहा है। बट उससे पहले अगर आप देखो तो T2K के जो MPL थे जो भाई ऊपर गाड़ी लेकर गए थे उन्होंने गॉडलेस के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और फिनिश कर दिया जैसे ही उस बंदे ने अपना बैक क्लियर किया ना। यहाँ पर देखो T2K के जो दो बंदे बैक पर खेल रहे थे वो भी सीधा अपने टीममेट के पास आ जाते हैं और अलग एंगल पर रुकते हैं एकदम चिपक के नहीं, और ये यहाँ पर फाइट लेना स्टार्ट भी कर देते JME के साथ में। तो जैसे बैक लिए हुआ बैक पे कोई देखना नहीं है। अब जो आधे से भी ज्यादा जोन का हिस्सा है वो इन्होंने कवर कर लिया और आप देखो KS वालों से फाइट ले रहे हैं, सॉरी JME तो नहीं, KS वालों से फाइट ले रहे हैं। और यहाँ पर देखो रिग ने KS के जोक जोक सॉक 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 को नॉक कर दिया। अब मैं वापस से आपको फाइट एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखो ये बंदे पहले एज खेल रहे थे, यहाँ पर टीम को मतलब इस टीम को इधर जो एक लास्ट बंदा बचा था बैक क्लियर करके वाइप किया और यहाँ पर ये वाला रिज होल्ड कर लेते हैं। और एक जो मतलब दो बंदे ऑलरेडी थे जो वो यहाँ पर ये वाला रिज होल्ड करके बैठे हुए थे T2 के बंदे, यहाँ पर एक KS के बंदे जो कि जोन के बिल्कुल एज पर हैं, ठीक है, इनके पीछे जोन है और यहाँ पर JME और एक टीम की फाइट चल रही है। तो अगर अभी आप देखो तो जोन कुछ इस तरीके का है, आपको मैं एक बार क्लियरली समझा देता हूँ। जोन ये रहा, देखिए ये रहा जोन। अब देखो ज्यादा से ज्यादा जोन का हिस्सा किसके पास है, T2 के बिल्कुल उन लोगों को पिन करके बैठी हुई है, यहाँ पर पिन करके बैठी हुई ताकि वो जोन में आ ही ना पाए पीछे की साइड पे। और T2 की ये पिन इसीलिए कर पाई क्योंकि वो ऑलरेडी स्प्लिट खेल रहे थे। अब आप यहाँ पर देखो T2 के दो बंदे तो भैया ये जो बीच में फाइट चल रही थी उन पे थर्ड पार्टी करने लगे हुए थे, दो बंदे KS को रोक के बैठे हुए थे कि KS ना आए और T2 के बंदों ने डायरेक्टली KS के बंदों को नॉक करके पुश कर दिया। अब जो MPL थे वो फिनिश हो गए, बट नीचे अगर आप देखो अभी भी T2 के इतना स्प्लिट है कि MPL को जोन में आना है 38 seconds और जैसे ही ओपन में जोन में आते हैं भाई पूरी की पूरी T2 के ये देखो एक और बंदा रिग पूरा का पूरा स्प्लिट हो, मतलब पूरे स्प्लिट खेल रहे, एक बंदा वो रहा एक बंदा उधर है एक बंदा रिग इनके नीचे आ गया। अभी भाई KS वालों को तो निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा और जो बंदे बीच में फंसे हुए थे I8 के बंदे उनको भी निकलने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिसएडवांटेज है, मतलब रिज के नीचे बैठे हैं तो उनको T2K वाले वैसे ही नहीं आने देंगे। KS वाले इधर फंस गए, अभी देखो KS वालों पे पुश कर दिया ग्रेनेड वगैरह करके और ये यहाँ पर KS वालों को फिनिश कर दिया। और जो नीचे बंदे बैठे हुए थे I8 वालों के, I8 वालों को यहीं से फायर वगैरह करके फिनिश कर दिया बिकॉज अब उनके पास जोन नहीं। अभी देखो उधर से JN भी पुश कर रहे हैं, इधर से ट्रू लव और जो रिग इनके बच्चे हैं वो भी डायरेक्टली पुश कर रहे हैं और अंदर जो एक बंदा है भाई
यहाँ पर ये बाहर निकलते फिनिश हो जाएगा भाई, पूरा का पूरा स्प्लिट खेला और एंड तक स्प्लिट खेला। तो मैंने आपको समझा दिया किस तरह से आप अपनी लॉबी में स्प्लिट खेल सकते हो, अगर जिस तरह से खेल सकते हो, जिस तरह से नहीं खेल सकते, मैंने आपको दोनों समझा दिए, ठीक है। अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।